उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े। देश में आज सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की चर्चा है वह उत्तर प्रदेश के नए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक ऐसे सीएम जिन्होंने पहले गृह त्याग दिया मगर फिर सत्ता के लिए फिर गृह में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक गोरखपुर के गोरक्षपीठ में रहने वाले सीएम योगी अब लखनऊ के सीएम हाउस में रहेंगे। पता तो बदल गया है लेकिन योगी जैसे सन्यासी थे वैसे ही सन्यासी रहेंगे। एक सन्यासी सीएम की जिंदगी को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। कैसे, क्यों और कब योगी सन्यासी बने थे, ऐसे सवालों के जवाब देगी हमारी ये सन्यास कथा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग के इस बंगले पर रौनक बढ़ गई। ये यूपी के सीएम का सरकारी घर है जहां अखिलेश यादव की नेमप्लेट हुआ करती थी। सत्ता बदलने पर नेमप्लेट भी बदल गई। अब यही घर है योगी आदित्यनाथ का, जहां आज योगी ने नवरात्र पर गृह प्रवेश किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश हो रहा है। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को आज जो पहला दिन है नवरात्र का, नवरात्र के पहले दिन योगी अपने काफिले के साथ अपने आवास में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 5KD है यानी 5 कालिदास मार्ग है जो कि सरकारी आवास है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। 5 कालिदास मार्ग पर उस योगी ने गृह प्रवेश किया जिन्होंने करीब 2.5 दशक पहले गृह त्याग कर संन्यास लिया था, घर द्वार छोड़ा था, परिवार छोड़ा था, देश और समाज के लिए काम करने के प्रण के साथ गेरुआ वस्त्र धारण किया था। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। अगले कुछ मिनटों में जो आप जानेंगे वो योगी के संन्यास की कथा होगी, गृह त्याग से लेकर गृह प्रवेश तक की कहानी होगी। वो कौन सा मोड़ था और वो कौन सा व्यक्तित्व था जहां पहुंचने के बाद अजय सिंह बिष्ट की दुनिया ही बदल गई, जहां से अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने और फिर महंत आदित्यनाथ बने। इसी साल जून में 45 साल के होने जा रहे योगी आदित्यनाथ की दुनिया बदली थी 22 साल की उम्र में, आज से करीब 2.5 दशक पहले। जहाँ उनके रूट्स हैं वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, उत्तराखंड के पंचूर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर उनके भाई हैं, उनके पिता हैं, उनकी माता हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और किस तरीके से एक साधारण सा लड़का संत बन गया उसकी कहानी आपको बताएंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गाँव में आनंद सिंह बिष्ट के घर 5 जून 1972 को अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ, लेकिन पुनर्जन्म हुआ 22 साल की उम्र में। तब तक अजय सिंह दुनियादारी में थे, घर परिवार का हिस्सा थे, कॉलेज में पढ़ने वाले उनके दोस्त थे, यूनिवर्सिटी की दुनिया थी और यूनिवर्सिटी की राजनीति भी। गोरक्षपीठ के महंत अवैद्यनाथ से हुई एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। बात उन दिनों की है जब अजय सिंह यानी योगी ने बीएससी के बाद गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करना शुरू किया था। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरक्षपीठ के महंत अवैद्यनाथ से हुई। '93 में उनका परिचय अवैधनाथ से हुआ। उस समय सांसद थे वो, तो दिल्ली गए क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कहा घर पूछ के आओ। महंत अवैद्यनाथ से मुलाकात का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब घर लौटे तो अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने की ठान चुके थे। घर त्यागने, परिवार त्यागने और खुद को देश और समाज की सेवा के लिए संकल्प ले चुके थे। फिर भी माँ के पास पहुँचे इजाजत लेने के लिए। अजय सिंह ने जो संकल्प लिया था उसे माँ पूरा होने कहाँ देती।
जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया, वो कैसे इस बात के लिए हाँ कर देती कि जा बेटा, घर छोड़ दे, मुझे छोड़ दे और सन्यासी बन जा। अजय सिंह के मन में खटका था, इसीलिए उन्होंने माँ को पूरा सच नहीं बताया, नहीं बताया कि वो सब छोड़ छाड़ कर महंत जी की शरण में जा रहे हैं सन्यासी बनने। अजय सिंह ने माँ को सिर्फ इतना बताया कि वो और पढ़ने के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। माँ को लगा कि बेटा अच्छे से पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी पा लेगा। माँ ने बेटे को घर से जाने की इजाजत दी थी, घर छोड़ने की नहीं। अब घर में आए, वो 1993 में यहाँ चुनाव होना चल रहे थे ना, उसमें प्रचार में भी रहे हो, तो फिर अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ गोरखपुर। अब उन्हें समझा कि कोई नौकरी के लिए जा रहे होंगे, लेकिन मैं उनको सड़क पर छोड़ने गया तो कहने लगा पिताजी मैं वहाँ जा रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि संत बनना है उनको, जैसे उन्होंने कहा कि आपको लगा कि वो नौकरी करने जा रहे हैं गोरखपुर, लेकिन जब बाद में पता चला कि अब शादी नहीं करेंगे संत रहेंगे, उसके बाद कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हर माँ चाहती है कि बेटा शादी कर ले, सेटल हो जाए, फिर क्या बोल था? पंचूर गांव से निकले अजय को पता था कि उन्होंने किस पते पर जाना है। वो सीधे पहुंचे गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ के पास, गोरक्ष पीठ में। उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल 1 जोड़े कपड़े। तो आदित्यनाथ को योगी बनाने वाले महंत अवैद्यनाथ ने जब योगी से कहा था कि उत्तराधिकारी बन जाओ, तो साथ में यह भी कहा था कि परिवार से इजाजत ले लेना। योगी ने इजाजत तो मांगी, लेकिन कहानी बनाकर उसके बाद क्या हुआ? परिवार को कब कैसे पता चला कि उसका बेटा सन्यासी बन गया है? फरवरी 1994 को महंत अवैद्यनाथ ने अजय सिंह को नाथ संप्रदाय की योग दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। न केवल अजय सिंह का नाम योगी आदित्यनाथ हो गया, बल्कि पिता का नाम भी बदल गया। योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान ले लिया दीक्षा देने वाले महंत अवैद्यनाथ ने। जो कहानी अजय सिंह के लिए लिखी गई, वही कहानी कभी महंत अवैद्यनाथ के लिए भी लिखी गई थी। जैसे 22 साल में अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, वैसे ही 23 साल की उम्र में कृपाल सिंह बिष्ट भी बन गए थे महंत अवैद्यनाथ। जैसे महंत दिग्विजय नाथ ने महंत अवैद्यनाथ को नई राह दिखाई थी, वैसे ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को दिखाई नई राह। जैसे महंत दिग्विजय नाथ ने महंत अवैद्यनाथ को राजनीति में आध्यात्म से लेकर आए, वैसे ही महंत अवैद्यनाथ ने योगी को राजनीति में लॉन्च किया। इतना सब हो गया, लेकिन पंचूर गांव में बैठे बिष्ट परिवार को भनक भी नहीं लगी। 6 महीने बाद पता चला कि कुल का चिराग सन्यासी बन चुका है। योगी का जीवन और लिबास धारण करके घर परिवार सांसारिकता की मुहमाया त्याग चुका है। तो उन्होंने आपको बताया था कि संत बनने वाले हैं? नहीं बताया। तो जब गए वो, तो कैसा लगा? आपने समझाया उनको कि ना जाएं, या आपने कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमें तो कम से कम 6 महीने बाद पता चला होगा। अच्छा। एनडीटीवी को इंटरव्यू में योगी के जैविक पिता आनंद सिंह बिष्ट ने एक प्रसंग का जिक्र किया, जब उनकी मुलाकात महंत अवैद्यनाथ से हुई थी। महंत अवैद्यनाथ ने आनंद सिंह बिष्ट से कहा था, तुम्हारे 4 बेटे हैं, 1 मुझे दे दो। जवाब में आनंद सिंह बिष्ट ने कहा, मेरा 1 बेटा तो पहले से ही आपका हो चुका है।
परिवार के लोग याद करते हैं कि जब योगी अजय सिंह थे तब अपने पिता से कहा करते थे, आप हमेशा इसी घर की चार दीवारी में रहे हो लेकिन मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। कि पहले से भावना ऐसी थी कि मैं जनता की सेवा करनी है, अब अवसर आ गया है। मेरा उनको रहता था कि देखो सेवा करो लेकिन ऐसा करो कि सामाजिक एकता, और न्यूज ने वही नारा दिया बाद में, सबको साथ लेके चलो। तब परिवार ने कहां सोचा था कि एक दिन उनका बेटा सचमुच घर छोड़कर देश और समाज के लिए ऐसे समर्पित हो जाएगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसा नहीं है कि योगी बनने के बाद आदित्यनाथ ने पलटकर कभी पंचूर गांव का रुख नहीं किया। भाइयों की शादी में वो अपने गांव पंचूर भी गए, परिवार से मिले भी, लेकिन रुके नहीं, लौटकर वहीं आए जहां उन्हें लौटना था। संबंध रखते हो क्योंकि जब हम दिल्ली भी जाते थे उनके साथ तो बड़ी आदर से मुझे बात करना, उठना बैठना, ऐसा नहीं कि साहब कमरे में बैठाते उनको, बैठते थे वहाँ हमारे साथ, बैठते थे, गप लगाते थे, पास में लगाते थे, केवल घर के विषय में ज़रा कम पूछते थे वो, क्योंकि घर का माहौल जो है कभी कुछ ऐसे लोग उनके ज़रा उनको अटपटा लगता है, इसलिए घर के विषय में नहीं पूछते थे। आते हैं कभी गांव, आते हैं आप लोगों से मिलने? आते हैं, आते हैं कभी, हमारे यहाँ ये कार्य होता है, कोई शादी शुदी में आए थे तो ये छोटे उसकी शादी में आए थे, वो चार साल दिन रहे यहाँ, आते हैं जब बुलाते हैं हम। अवैधनाथ ने कह दिया था उस समय जिस समय हम वहाँ गए थे, कहने का ऐसा है इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं करना है। उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे से 2017 तक वक्त बहुत निकल चुका है। परिवार के अफसोस के आंसू अब गौरव के भाव में बदल गए हैं क्योंकि उनका अपना अजय अब देश के सबसे बड़े राज्य का मुखिया बन चुका, भले ही योगी आदित्यनाथ बनकर। उनके परिवार का अजय अब परिवार में महाराज का दर्जा पा चुका है। आज गर्व है आपको, आपकी आंखें नम है, हम देख सकते हैं आपको। यूपी का सीएम जो उत्तराखंड का भी कभी हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड खुद यूपी का हिस्सा हुआ करता था, आज उसके सीएम है आपके बेटे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्रसन्नता बड़ी भारी है कि वो उस पद पे पहुंच गए हैं। मैं कभी नहीं दे सकता था, तो मुझे खुशी है कि उन्होंने कम से कम क्षेत्र का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया और एक अच्छे उस पे पद पर पहुंचे हुए हैं। हम भी आज वही बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। अब नाम नहीं लेते हैं आप, अजय नहीं बोलते हैं उनको, महाराज जी। योगी अपने गुरु अवैधनाथ की अध्यात्म की विरासत के भी वारिस बने और उनकी राजनीति के भी। महंत अवैधनाथ के देह त्यागने के बाद सितंबर 2014 में वो गोरक्षपीठ के प्रमुख बने, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महंत आदित्यनाथ कहलाना पसंद नहीं किया, वो योगी आदित्यनाथ ही बने रहे। हालांकि संत समाज में उनकी प्रतिष्ठा महंत आदित्यनाथ के तौर पर है। गोरक्षपीठ के योगी रहते हुए आदित्यनाथ ने गोरखपुर से लोकसभा के कई चुनाव लड़े। 22-23 साल में दीक्षा लेने वाले योगी 26 साल में देश की संसद के सदस्य बन गए और सबसे कम उम्र के सांसद होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। शास्त्र में कहा गया ना कि परिवार में एक संत जो है वो कई खानदान को ताप देता है, तो वही बात है। गोरक्षपीठ का ये परिसर 19 मार्च से पहले तक योगी आदित्यनाथ का घर द्वार सब कुछ था। मंदिर की चौकट पर मदद की आस लेकर आने वाला हर व्यक्ति उनका परिवार है। सीएम बनने के बाद भी योगी बदले नहीं, बदला है तो सिर्फ उनका पता। गोरक्षपीठ से 5 कालिदास मार्ग यूपी के सीएम का सरकारी घर। उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।